Praise God. परमेश्वर परमेश्वर की महिमा हो. We can shout praise God. Praise God. God is good. परमेश्वर हर समय भला है. Amen. Amen. He is good, so we are in good situation and position. वो भला है इसीलिए हमारी परिस्थिति अच्छी है. Let's close our eyes and let's pray, Lord, bless us today. आइए हमारी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आज आशीष दे. Father, we come in Jesus name. पिता हम यीशु के नाम में आते हैं. We bow down ourselves. हम अपने आप को झुकाते हैं. By faith, विश्वास, we come to you. विश्वास के साथ हम आपके पास आते हैं. You are, we believe. आप हो हम वो विश्वास करते हैं. And we ask forgiveness if there is any sin. और यदि कोई पाप है तो हम उसके लिए माफी चाहते हैं. And we humble ourselves. और हम अपने आप को नम्र करते हैं. Confess our sin. और हमारे पापों की कबूलात करते हैं. By faith we come to you. और विश्वास के साथ हम आपके पास आते हैं. You bless us today. आप आज हमें आशीष दो. Whatsoever your heart and your will is. आपका हृदय जो है और आपकी जो इच्छा है. What bread you give. और जो आप खाना दे आज रोटी जो आप देने वाले हो. Bless us with your bread. आपकी वो रोटी से आप हमें आशीषित करें. Give us understanding, Holy Spirit. पवित्र आत्मा हमें समझ दो. You minister among us. हमारे बीच में आप सेवकाई करो. Yes, Holy Spirit, bless us. हाँ पवित्र आत्मा हमें आशीष दो. Control us. और हमारे ऊपर नियंत्रण करो. And whoso are listening. और जो कोई भी सुन रहा है. Bless them, I pray. उनको आशीष दे मैं प्रार्थना करता हूँ. In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ. Amen. Amen. Praise God. Praise God. परमेश्वर की महिमा हो. God is good God. परमेश्वर भला परमेश्वर है. He gives us blessing. वो हमें आशीष देता है. He gives us that we be heard. वो हमें इस रीति से देता है कि हम सर बने. प्रेज गॉड. परमेश्वर की महिमा. In Genesis 1:26 we know the word. या उत्पत्ति पहला अध्याय और 26वां वचन में हम वो शब्द जानते हैं. गॉड ब्लेस बाय सेइंग यू डोमिन. परमेश्वर ने ऐसा कह के आशीर्वाद दिया कि पृथ्वी पर कब्जा करो. यू रूल. आप पृथ्वी पर अधिकार चलाओ. यू टेक ओवरऑल. और पूरे सबके ऊपर अधिकार चलाओ. यू बी हेड. सबके ऊपर सिर बनो. वी लव टू बी हेड. हमको सिर बनना पसंद है. वी लव टू बी अ गुड रूलर. और एक अच्छा अधिकारी बनना भी हमें पसंद है. ऑल वांट टू बी लीडर. हर कोई आगेवान बनना चाहता है. ऑल वांट टू बी हेड. हर कोई सिर बनना चाहता है. इन डिट्रोनोमी 28:13 व्यवस्था विवरण उसका 28वां अध्याय और 13वां वचन. लॉर्ड योर गॉड विल मेक यू हेड एंड नॉट टेल. आप तुम्हारा जो परमेश्वर है जो प्रभु है वो तुम्हें सर बनाएगा पूछ नहीं बनाएगा. टिल डेथ वी मस्ट बी हेड. मरते दम तक हमें सर बनना चाहिए. सर बन के रहना चाहिए. प्रेज़ गॉड. परमेश्वर की महिमा हो. दैट्स रिटन आई विल मेक यू हेड. और यहाँ पर यह लिखा है कि मैं तुम्हें सर बनाऊंगा. आई विल प्लेस यू अबोव. और मैं तुम्हें ऊपर रखूंगा. ऑन हाईएस्ट प्लेस ऑन द टॉप आई विल पुट यू. सबसे ऊपर वाली जगह में सबसे ऊपर मैं तुम्हें रखूंगा. नॉट एट द बॉटम. नीचे नहीं. नॉट बीनीथ और डाउनवर्ड. किसी के नीचे या तो नीचे नहीं. इफ यू ओबे माय कमांडमेंट लॉर्ड सेड. प्रभु ने कहा यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानो. विच आई से इफ यू ओबे टुडे. जो मैंने तुम्हें कहा कि यदि तुम उसका आज्ञा पालन आज करो. इफ यू ओबे माय कमांडमेंट. यदि आप मेरी आज्ञाओं को मानो. आई विल ब्लेस यू विद दिस ब्लेसिंग. तो मैं ये आशीर्वाद से तुम्हें आशीर्वाद दूंगा. बाइबल टीचेस दैट. बाइबल ऐसा सिखाता है. वी विल बी हेड. कि हम सिर ही बनेंगे. He will make us head. वो हमें सिर बनाएगा. Many time world is head over us. बहुत बार ये दुनिया हमारे ऊपर सिर बन जाता है. We need Jesus Christ be our head. हमारी जरूरियात यीशु मसीह है कि वो हमारा सिर बने. This is Bible verse. ये बाइबल के वचन है. I will make you head. That is the promise of God. मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा ये परमेश्वर का वचन है. And so we start desiring to be head. इसीलिए हम सिर बनने की ख्वाहिश रखते हैं. But we should not desire to be head. लेकिन हमें सिर बनने की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए. We should not try to be head. और हमें सिर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. We should not make ourselves and put at the head.
हमें अपने आप को सिर बनाकर और सिर बनाकर वो जगह पे नहीं रखना चाहिए। शैतान हैड दैट डिजायर टू बी हेड। शैतान को ये इच्छा थी कि वो सिर बने। बट गॉड हैज नॉट प्रॉमिस्ड दैट आई विल मेक यू हेड। लेकिन परमेश्वर ने उसे वचन नहीं दिया था कि मैं तुझे सिर बनाऊंगा। वी शुड नॉट डिजायर टू एक्सॉर्ट अवर सेल्फ। हमें अपने आप को ऊंचा करने की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। जीसस सेड इन मैथ्यू 23:12। यीशु मसीह ने मत्ती उसका 23वां अध्याय और 12वें वचन में कहा, Lord said, who exalts self will be put down. प्रभु ने यह कहा कि जो अपने आप को ऊंचा करता है उसे नीचा किया जाएगा। Who will make self on top, he will be put down. जो अपने आप को ऊपर रखेगा, ऊंचा करेगा, उसे नीचा किया जाएगा। Who will lift himself up? जो कोई अपने आप को ऊंचा करेगा, will be लो, उसे मेक लो, गॉड विल मेक हिम लो। परमेश्वर उसे नीचा कर देगा। इफ आई मेक माय सेल्फ हेड, यदि मैं अपने आप को सिर बनाता हूँ, गॉड विल पुट मी डाउन, तो परमेश्वर मुझे नीचा बनाएगा। गॉड सेड आई विल मेक यू हेड। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा। वी शुड नॉट डिजायर टू बी हेड। हमें ये इच्छा, सिर बनने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। गॉड विल मेक us. परमेश्वर हमें बनाएगा। And if we exalt ourselves, और यदि हम अपने आप को ऊंचा करें, God will make us tail. तो परमेश्वर हमें पूंछ बनाएगा। Tail is the end point. पूंछ जो है वो अंत का भाग है। I think you understand. मैं सोचता हूँ कि आप ये समझे। God promised, I will make you. परमेश्वर ने वचन दिया कि मैं तुम्हें बनाऊंगा। सो वी शुड नॉट डिजायर और ट्राई टू बी अप। इसीलिए हमें ऐसी इच्छा नहीं रखनी चाहिए और ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए ऊंचा उठने की या ऊपर रहने की। डेविड सेड आई वाज इन मड एंड लॉर्ड लिफ्ट मी अप। दाऊद ने कहा कि मैं कीचड़ में था और प्रभु ने मुझे ऊंचा उठाया। एंड आई डोंट थिंक ऑफ हाइट और आई डोंट डिजायर द थिंग्स That are not in my hands. और जो चीजें मेरे हाथ में नहीं है वो बातों की इच्छा मैं नहीं रखता। That David said. ऐसा दाऊद ने कहा। We should not make ourselves high. हमें अपने आप को ऊंचा नहीं उठाना चाहिए। God promised, so he will do. परमेश्वर ने वचन दिया है तो वो करेगा। I will make you, then he is responsible. He will make us. मैं तुम्हें बनाऊंगा तो ये परमेश्वर की जिम्मेदारी है कि वो बनाएगा। We should be humble and we should Obey his word. हमें नम्र रहना चाहिए और हमें उसके वचनों का पालन करना And चाहिए। He will put us on the top. और वो हमें ऊपर ले जाएगा, ऊपर बिठाएगा। Genesis 3:15. उत्पत्ति 3 अध्याय और 15वां वचन। God said to serpent. परमेश्वर ने वो सांप से कहा। God said to that woman. और परमेश्वर ने औरत से कहा। Woman, your son will crush the neck or head of the serpent. स्त्री, तेरा संतान ये सांप के सर को कुचलेगा। Press down और उसे कुचल देगा। Bruise your head उसका सर घायल करेगा। Crap upon और उसके ऊपर पांव रखेगा। It's like turning the neck. उसका ऐसा है कि उसके गर्दन पकड़ के मरोड़ देना। शैतान, यू हैव डिजायर, यू हैव लिफ्टेड योरसेल्फ। शैतान, ये तेरी इच्छा थी कि तू अपने आप को ऊंचा उठाए। सो नाउ दिस सन ऑफ दिस वुमन, तो इसीलिए ये स्त्री का संतान, स्त्री का पुत्र विल पुट यू डाउन, वो तुझे नीचा कर देगा। योर हेड विल बी क्रश, तेरा सर है वो कुचला जाएगा। When we desire to be head, जब हम सिर बनने की इच्छा रखते हैं, we will be crushed. तो हमें कुचला जाएगा। It's his God that he will make us head and not tail. ये परमेश्वर है कि जो हमें सर बनाता है और पूछ नहीं। Paul says in 2 Corinthians 10:4. पौलुस दूसरा कुरंथी और 10वां अध्याय 4th वचन में कहते हैं, We are fighting are not those of the flesh. हम जो युद्ध कर रहे हैं वो ये शारीरिक युद्ध नहीं है। But our strong belong before God for the destruction of high places. लेकिन हमारा युद्ध ये परमेश्वर के विरोध में जो उठते हैं वो बड़ी ऊंची
जगहों का विनाश करने के सामने है। For the weapons of our welfare are not those of the world. और हमारे युद्ध के जो हथियार है वो हथियार इस दुनिया के हथियार के जैसे नहीं है। We tear down those thought. और जो विचार है वो सारे विचारों को हम तोड़ देते हैं। We put down to end who reason. और जो कोई परमेश्वर के सामने सर ऊंचा करता है उसे हम तोड़ देते हैं। Every proud obstacles that are raised against knowledge of God, we pull them down. परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध में जो कोई भी सर खड़ा होता है उसके विरुद्ध में उसे हम नीचा कर देते हैं। We throw down all the imagination that lift themselves high. और जो कोई भी इंसानों के विचारों की बातें होती है वो जो अपने आप को ऊंचा करने की बातें होती है उन्हें हम तोड़ डालते हैं। We can't bear, so we pull them down. हम उसे सहन नहीं कर सकते इसीलिए हम उसे नीचा कर देते हैं। Every thought of people and every thought of ourselves. इंसानों की हर विचार और हमारे अपने आप के हर विचार। Whosoever lift their lift up. जो कोई भी अपने आप को ऊंचा करता है। Even the thought we pull them down. यदि कोई ऐसा ऊंचा विचार है तो उसे भी हम नीचा कर देते हैं। If we think that we will go up. यदि हम ऐसा सोचते हैं कि हम ऊपर जाएंगे, we pull that thought down. तो हम वो विचार को नीचा कर देते हैं, नीचे ला देते हैं। And every high things which is lifted us up against the knowledge of God, we pull them down. और यदि कोई ऐसी बात है कि जो परमेश्वर के ज्ञान के विरोध में हमें ऊपर ले जाती है, तो उसे हम नीचे फेंक देते हैं, नीचे खींच लेते हैं। We take every thought captive to make it obey Christ. हम हमारे हर विचारों के ऊपर कब्जा करते हैं क्योंकि उसे हम यीशु के सामने प्रकट कर सके। We don't exalt ourselves, but we thought and we think to get up. हम अपने आप को ऊंचा नहीं करते हैं लेकिन हम ऐसा सोचते हैं और ऐसा विचार करते हैं कि हम खड़े होंगे और ऊपर जाएंगे। So the even the simple thought we pull it down. तो इसीलिए कोई सामान्य अगर विचार होता है तो उसे भी हम नीचे खींच लेते हैं। Paul says Romans 6:14 रोमियो की पत्री 6:14 में पौलुस कहता है, No sin will domain or rule over you. आपके ऊपर कोई भी पाप अधिकार नहीं चलाएगा। No thought will be head. और कोई भी ऐसा विचार आपके ऊपर सर नहीं बनेगा। No sin will be head. और कोई पाप आपके ऊपर सिर नहीं बनेगा। Don't let sin be head. और पाप को अपने ऊपर सिर मत बनने दो। Romans 7:1-2 रोमियो की पत्री 7वां अध्याय 1 और 2 वचन। Paul says that even the law will be not your head. पौलुस ये कहते हैं कि नियम शास्त्र व्यवस्था भी आपके ऊपर सिर नहीं बनेगी। You are set free from the law. आपको नियम शास्त्र से वो व्यवस्था से मुक्त किया गया है। It is not like that law says so we are in control. ऐसा नहीं है कि ये व्यवस्था ऐसा कहती है इसीलिए हम नियंत्रण में हैं। It is not that to Sunday we must follow it. ऐसा नहीं है कि रविवार है तो हमें उसका अनुसरण करना ही पड़ेगा। It is not like that if there is Sabbath you must follow it. ऐसा नहीं है कि ये विश्रामवार यदि है तो तुम्हें वो सारी बातों का अनुसरण करना पड़ेगा। We are set free from the law. हमें वो नियम शास्त्र से मुक्त किया गया है। Wife is a bondage. पत्नी एक बंधन है। But if husband dies or wife dies, लेकिन यदि पति मर जाता है या पत्नी मर जाती है, the partner is free from the bondage. तो उसका जो पार्टनर है वो बंधन से मुक्त हो जाता है। यस वाइफ इज बाइंड टिल हस्बैंड इज लाइव। जब तक पति जिंदा है तब तक पत्नी उसके साथ बंधन में जुड़ी है। हस्बैंड इज हेड। पति सिर है। बट इफ हस्बैंड डाइज। लेकिन यदि पति मर जाता है, नाउ सी इज नो मोर अंडर एनी अथॉरिटी। तो अब वो पत्नी किसी के भी अधिकार में नहीं है। शी इज फ्री फ्रॉम द हेड। वो अपने सर से अब मुक्त हो गई है। Matthew 12:8 जीसस सेड, मत्ती का सुसमाचार 12वां अध्याय और 8वां वचन, Sabbath इज नॉट माय हेड।
कि विश्रामवार मेरा सिर नहीं है, मेरे ऊपर मालिक नहीं है। शाबाश इज नॉट द रूलर। विश्रामवार मेरे ऊपर अधिकार चलाने वाला नहीं है। आई एम फ्री टू वर्शिप एनी टाइम। मैं कोई भी समय आराधना करने के लिए मुक्त हूँ। इट्स नॉट लॉ ओवर मी। वो ऐसा कोई कानून मेरे ऊपर नहीं है। क्रिश्चियन हैव नो अथॉरिटी ओवर देम। ईसाई लोगों के ऊपर कोई भी ऐसा अधिकार नहीं है। वी आर फ्री टू वर्शिप जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह की आराधना करने के लिए हम मुक्त है। वी आर फ्री, दैट मींस वी आर हेड। हम आजाद है, उसका अर्थ यह है कि हम सिर है। इट इज नॉट लाइक दैट एट 5:30 और 8:30 और 1:30 वी हैव टू वर्शिप गॉड। ये ऐसा नहीं है कि 5:30 बजे या 8:30 बजे या 1:30 बजे हमें परमेश्वर की आराधना करनी है। वी आर नॉट बॉन्ड इन टाइम। हम वो समय के बंधन में नहीं है। इफ समवन से बाउ बिफोर दिस इज द टाइम टू वर्शिप। यदि कोई ऐसा कहता है कि ये आराधना करने का समय है, अभी झुक जाओ। वी आर नॉट, अवर हेड इज नॉट एनी लॉ। हमारा जो सिर है वो कोई नियम नहीं है। वी आर फ्री, हम आजाद है। नॉट, नो वाइफ इज अवर हेड। और कोई पत्नी हमारा सिर नहीं है। नो चिल्ड्रन आर अवर हेड। और हमारे बच्चे हमारा सिर नहीं है। वी आर फ्री एंड वी लॉर्ड विल मेक अस हेड। हम आजाद है, हम मुक्त है और परमेश्वर हमें सिर बनाएगा। ये यशाया 3:12, यशाया की किताब 3:12। इट सेज दैट योर चिल्ड्रन आर योर मास्टर। ऐसा लिखा गया है कि तुम्हारे जो बच्चे हैं, तुम्हारे बालक हैं, वो तुम्हारे मालिक हैं। एंड योर वुमन आर रूलर ओवर यू। और तुम्हारी स्त्रियां, तुम्हारी औरतें तुम्हारे ऊपर अधिकार चलाती हैं। ओ माय पीपल, दिस इज वेरी बैड। ओ मेरे लोग, ये बहुत ही खराब बात है। आई वॉन्ट टू मेक यू हेड। मैं तुम्हें सिर बनाना चाहता हूँ। चिल्ड्रन आर रूलिंग ओवर यू। लेकिन बच्चे लोग तुम्हारे ऊपर अधिकार चला रहे हैं। वुमन्स आर रूलिंग। और स्त्री लोग तुम्हारे ऊपर अधिकार चला रहे हैं। गॉड वॉज एंग्री बिकॉज इज़राइल वॉज इन स्लेवरी। परमेश्वर को इसीलिए गुस्सा था क्योंकि इज़राइल के लोग गुलामी में थे। इज़राइल यू आर फ्री, यू आर हेड, आई वॉन्ट टू मेक यू हेड। इज़राइल तू मुक्त है और मैं तुझे सिर बनाना चाहता हूँ। बट यू आर नाउ इन स्लेवरी इन इजिप्ट। लेकिन अब तू गुलाम है, तू मिसर में है। I want you to be boss. मैं तुझे मालिक बनाना चाहता हूँ। Many time we are in position of tail. बहुत बार हमारी ऐसी परिस्थिति होती है कि हम पूछ जैसे होते हैं। And we just follow where the head goes. और सर जहाँ जाता है वहाँ हम जाते हैं। Like the tail beside walking. जैसे पूछ पीछे आती है वैसे हम जाते रहते हैं। We know that tail belongs and it is connected with head. हम ये जानते हैं कि जो पूछ होती है वो सर के साथ जुड़ी हुई होती है। And where head goes, tail also goes. और सिर जहाँ जाता है वहाँ पर पूछ भी जाती है। God said, I will make you head. You will be leader. You will lead. परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा और तुम आगेवान बनोगे और तुम अगवाही करोगे। That's God's promise. ये परमेश्वर का वचन है। And if we are in slavery of, or if we are following, यदि हम गुलामी में हैं और या तो किसी के पीछे चल रहे हैं, we must remember Genesis 1:26. तो हमें उत्पत्ति 1:26 याद रखना चाहिए। You will domain over all things. तू हर बातों पर, हर चीज पर अधिकार चलाएगा। You will rule. तू अधिकार चलाएगा। एंड हु विल विन, आई विल ब्लेस देम, दैट इज इन रेवेलेशन। और जो कोई भी जीतेगा उसे मैं आशीर्वाद दूंगा, ये प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है। Matthew 20:26, मत्ती का सुसमाचार 20:26। जीसस सेड, 25वां वचन, यीशु ने कहा, यू सी दैट द रूलर्स ऑफ द जेंटाइल्स आर लॉर्ड्स ओवर माय पीपल। आप देखते हो कि ये विदेशी लोगों के जो मालिक होते हैं, सरदार होते हैं, वो मेरे लोगों के ऊपर अधिकार चलाते हैं। Their great ones have authority over them. और उनके जो महान लोग होते हैं वो दूसरों के ऊपर, उनके लोगों के ऊपर अधिकार चलाते हैं। They exercise authority over my people. और वो मेरे लोगों के ऊपर उनका अधिकार चलाते हैं। Exercise is good word. कसरत करना या अधिकार चलाना वो एक अच्छा शब्द है। That means that whatever the ruler want to do, they will rule and the people will just obey and follow them without any word. उसका अर्थ ये है कि जो अधिकारी है वो जो कुछ भी करना चाहे वो करेगा और लोग कुछ भी बोले बिना वो जो करना चाहते हैं उसका आज्ञा पालन करेगा, उसके अधीनता में रहेंगे। We are free.
हम आजाद हैं। वी आर फ्री। लॉर्ड डोंट वांट दैट अ थॉट रूल ओवर अस। हम मुक्त हैं और प्रभु ये नहीं चाहता है कि कोई विचार हमारे ऊपर अधिकार चलाए। नो लॉ रूल ओवर अस। और कोई ऐसा नियम हमारे ऊपर अधिकार चलाए। मेनी टाइम वी मेक रूल्स इन अवर लाइफ। बहुत बार हम हमारे जीवन में नियम बना देते हैं। एंड व्हेन वी डोंट फॉलो द रूल वी गेट अपसेट। और जब वो नियमों का पीछे हम नहीं चल सकते तब हम निराश हो जाते। लॉ इज नॉट रूलर। और जो नियम है वो अधिकार चलाने वाला नहीं है। जीसस क्राइस्ट इज अवर रूलर। यीशु मसीह हमारा अधिकार चलाने वाला है। He is our head। वो हमारा मालिक है, सर है। रेवलेशन 12:4 प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय और 4वां वचन। दैट्स रिटन दैट वहां पर ये लिखा है, दिस सर्पेंट टेल इट पुल वन थर्ड पार्ट ऑफ द स्टार्स ऑफ हेवन। शैतान का जो पूछ था वो पूछने आसमान के सितारों का तीसरे भाग को उसने खींचा। Its tail swipe away one third of the stars in the sky। और आसमान के सितारों में से तीसरे भाग को उसकी पूंछ ने हिला दिया, हटा दिया। And knocked them down to the earth। और वो सितारों को वो पृथ्वी पर फेंक दिया उसने। Satan use his tail। शैतान ने उसकी पूंछ का उपयोग करता है। Do Satan have tail? क्या शैतान को उसकी पूंछ है? What do you say? आप क्या कहते हो? No, नहीं। Satan don't have tail। शैतान को पूछ नहीं है। What means tail? तो ये पूछ का अर्थ क्या है? We just want to be head and we don't forget tail। हम केवल सिर बनना चाहते हैं और पूछ के बारे में हम भूल गए। Isaiah 9:13। यशायाह की किताब 9वां अध्याय और 13वां वचन। But my people's heart has not turned to me। लेकिन मेरे लोगों का हृदय जो है वो मेरे प्रति मेरे लिए नहीं है। I send punishment and still they don't pray and don't fast and don't come to me। मैंने उनके ऊपर सजा लाया, मैं फिर भी वो लोग प्रार्थना नहीं करते, उपवास नहीं करते और मेरी तरफ नहीं घूमते। Verse 14, 14वां वचन। So for this cause the Lord took away the Israel। इसीलिए इस कारण से परमेश्वर ने इसराइल को उठा कर cut it off, उसको काट दिया। Tail and head and all this part। और सिर को और पूंछ को सब भागों को उसने काट दिया। Who is head? सिर कौन है? That's in written 15 verse। 15वें वचन में लिखा है। The man who is honored and responsible is the head। जो व्यक्ति जो सम्माननीय है और जो जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति है वो सिर है। The leader and the highly respected people are called head। Elder people are called head। आगेवान और वडिल लोग जो होते हैं, जो जिम्मेदारी लेते हैं, उनको सिर कहा जाता है। Verse 16। और 16वां वचन। For those who guide his people। जो लोग अपने लोगों की अगवाही करते हैं, वो लोग। Who are been leading। जो लोग अगवाही करते हैं। Misguide my people, they are tail। और जो लोग मेरे लोगों को गलत रास्तों पे ले जाते हैं, वो पूंछ है। Head is not leading। जो सिर है वो नहीं अगवाही कर रहा है। But the tail is leading। लेकिन जो पूंछ है वो अगवाही कर रहा है। People walk beside tail। और वो पूंछ के पीछे चलते हैं। If wife is tail, यदि पत्नी पूंछ है, people walk beside tail। तो लोग वो पूंछ के बाजू में चलते हैं। Behind tail। वो पूंछ के पीछे चलते हैं। God want to place us at head। परमेश्वर हमें सिर बनाना चाहता है। शैतान यूज टेल टू डिस्ट्रॉय गॉड्स किंगडम। और शैतान अपनी पूंछ का उपयोग करता है परमेश्वर के राज्य का नाश करने के लिए। शैतान यूज हिज फॉलोअर टू डिस्ट्रॉय। और शैतान अपने पीछे चलने वाले उसके लोगों का उपयोग करता है नाश करने के लिए। शैतान यूज टेल एंड कंट्रोल अस। वो पूंछ का उपयोग करता है और हमारे ऊपर नियंत्रण लाता है। एंड वी are afraid of just tail। और हम वो पूछ से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। Tail lead people। और वो पूछ लोगों की अगवाही करता है। And we don't know, just we think the tail is head। और हम ये नहीं जानते और हम ऐसा सोच लेते हैं कि ये जो पूछ है वही सिर है, वही मालिक है। Satan use tail to destroy people। लोगों का विनाश करने के लिए शैतान पूछ का उपयोग करता है। So God said, Now my people will crush।
शैतान सेड। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि अब मेरे लोग शैतान के सर को कुचल डालेंगे। शैतान लिफ्टेड टू बी हेड। शैतान ने अपने आप को सिर बनाने के लिए ऊंचा किया। एंड गॉड पुट हिम डाउन। और परमेश्वर ने उसे नीचे फेंक दिया। नाउ गॉड वांट अस टू बी हेड। अब परमेश्वर हमें चाहता है कि हम सिर बने। बट इफ वी थिंक वी विल बी हेड। लेकिन यदि हम सोचे कि हम सिर बनेंगे, God will put us down. तो परमेश्वर हमें भी नीचा कर देगा। God will make. If he want to make, he will make. यदि परमेश्वर की ये इच्छा है तो वो हमें सिर बनाएगा। But we must not desire to be head. लेकिन हमें ऐसी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, सिर बनने की इच्छा नहीं रखनी Jesus चाहिए। Jesus gave us key. यीशु ने हमें चाबी दी। If you humble yourself. यदि तुम अपने आप को नम्र बनाओ, I will exalt you. तो मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। I will make you head. और मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा। But if a thought comes in your mind. लेकिन यदि कोई विचार तुम्हारे अंदर आता है, he want to be head. यदि तुम सिर बनना चाहते हो, put it down. तो उसे वो विचार को नीचे फेंक दो। If something want to be head. यदि कोई सिर बनना चाहता है, put it down. तो उसे नीचे फेंक दो। Don't let anyone to be head over you. और किसी को अपने ऊपर सिर मत बनने दो। Not Satan be head. शैतान को अपने ऊपर सिर ना बनने दो। No woman be head. और कोई स्त्री को अपने ऊपर सिर ना बनने दो। No man be head. कोई मनुष्य को अपने ऊपर सिर ना बनाओ। No one be head. किसी को भी सिर ना बनाओ। Let God be our head. परमेश्वर हमारा सिर बने। He will make us head. और वो हमें सिर बनाए। He want to place in his head part. वो हमें उसके जो सिर का विभाग है उसमें रखेगा। Praise God. परमेश्वर की महिमा हो। If he has placed in his body. यदि उसने हमें उसके शरीर में स्थान दिया है, रखा humble, है, we must humble ourselves. तो हमें अपने आप को नम्र करना। We are fine. जहाँ पर भी हमें हमको रखा गया है, वहाँ पर हम ठीक है। God will bless, he promise. परमेश्वर ने वचन दिया है कि वो आशीर्वाद देगा। We must just obey him. हमें केवल उसकी आज्ञाओं को मानना चाहिए। Time will come. जब समय आएगा, he will put us in his head part. मैं उसके सर के विभाग में जाके रखेगा। There are five type of ministry that are called head. पांच प्रकार की सेवकाएं हैं जिसको सिर कहा गया है। Apostle ministry. प्रेषितों की सेवकाएं। Prophetic ministry. Prophet भविष्य वक्ताओं की सेवकाएं। God gives prophets. परमेश्वर भविष्य वक्ता देते हैं। Evangelist ministry. और सुसमाचार सुवार्तिकों की सेवकाएं। Pastor ministry. और पासबानों की सेवकाएं। Teachers ministry. और शिक्षकों की सेवकाएं। All these are in God's head. ये सारी सेवकाएं परमेश्वर के सर के विभाग में। Jesus Christ perform this ministry. ये सारी सेवकाएं का ये प्रभु यीशु ने सारी सेवकाएं में काम किया। God will make us is in his body. परमेश्वर हमें उसके शरीर में रखेगा। But we must not desire. लेकिन हमें उसकी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। No thought must overcome us. और कोई भी ऐसा विचार हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, हमें जीत ना जाए। Satan thought that I will be head. शैतान ने ऐसा सोचा कि मैं सिर बनूंगा। I will exalt my throne above Lord's throne. शैतान ने ऐसा कहा कि मैं मेरा सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊपर ले जाऊंगा। God pull him down. और परमेश्वर ने उसे नीचे खींचा। So if we think to be on high position. तो यदि हम ऊंची जगह पर अपने आप को रखना सोचते हैं, He is God that he will make us. तो वो परमेश्वर है, वो हमें वहां रखेगा और ले जाएगा। इवन थॉट कम्स वी मस्ट पुल इट डाउन। यदि हमारे में ऐसा विचार भी आ जाता है तो विचार को भी हमें नीचे रख देना चाहिए। एवरी टाइम वी मस्ट हम्बल। हर बार हमें अपने आप को नम्र करना चाहिए। गॉड विल ब्लेस अस टू बी अ रूलर। परमेश्वर हमें आशीर्वाद देगा वो अधिकारी बनने के लिए। नो शैतान, नो डिजीज, नो कर्स, नो मैन, नथिंग शुड डोमिन ओवर अस। शैतान या कोई पाप या तो रोग या तो कोई मनुष्य या कोई भी ऐसी बात हमारे ऊपर अधिकार नहीं चलानी चाहिए। ओनली गॉड बी अवर हेड। केवल परमेश्वर ही हमारा सिर होना चाहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गिव अस अंडरस्टैंडिंग, गिव यू अंडरस्टैंडिंग। और आप सबको समझ दे। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। लेट्स प्रे। आइए प्रार्थना करें। क्लोज अवर आईज। हमारी आंखें बंद करें। थैंक जीसस क्राइस्ट दैट ही हैज गिव अस प्रॉमिस। यीशु मसीह ने हमें वचन दिया है, उसके लिए उसका धन्यवाद करें। He is the same who met Moses and said. वो वही है कि जो
मूसा को मिला और संतों को मिला। माई पीपल आई विल मेक यू हेड नॉट टेल। मेरे लोग मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा पूछ नहीं। यू विल बी अबव नॉट बी डाउन। तुम ऊपर रहोगे नीचे नहीं रहोगे। थैंक यू जीसस फॉर योर ब्लेसिंग वर्ड। यीशु मसीह आपके आशीर्वादित वचनों के लिए आपका धन्यवाद। एंड इफ वी हैव एक्सॉल्ट आवरसेल्फ फॉर डिजायर थिंग्स। और यदि हमने अपने आप को ऊंचा किया है या तो ऐसी कोई इच्छा रखी है। फॉरगिव अस। तो हमें माफ कर। वी हंबल आवरसेल्फ। हम अपने आप को नम्र बनाते हैं। इफ यू विश यू मेक अस। यदि ये तेरी इच्छा है तो तू हमें बना। योर विल बी डन लॉर्ड। तुम्हारी इच्छा पूरी हो प्रभु। वी नो दैट योर वर्ड आर ट्रू। हम ये जानते हैं कि तेरे वचन सत्य है। एंड यू हैव ब्लेस्ड योर पीपल। और तूने तुम्हारे लोगों को आशीर्वाद दिए। यस यू हैव ब्लेस्ड विद योर वर्ड। यू हैव प्रॉमिस्ड ऑलरेडी। हाँ तुमने तुम्हारे वचनों से तुम्हारे लोगों को आशीर्वाद दिए। यू ऑलरेडी सेड दैट यू विल डोमाइन ओवर ऑल। तुमने पहले से ही ये कहा है कि तुम सारे लोगों पर सब पर अधिकार चलाओगे। यू विल बी रूलर। और तुम अधिकारी बनोगे। थैंक यू जीसस फॉर योर वर्ड। ये आपके ये वचनों के लिए आपका धन्यवाद यीशु। एंड वी बिलीव दैट यू विल मेक एंड वी डोंट वांट टू ट्राई। हम ये विश्वास करते हैं कि आप हमें बनाओगे और हम अपने आप ये प्रयास नहीं करेंगे। यू मेक अस व्हाट यू वांट टू मेक। आप हमें जैसा बनाना चाहते हो वैसे आप बनाओगे। वी गिव आवर सेल्फ टू यू। हम अपने आप को आपके सामने आपको देते हैं। वी सबमिट आवर सेल्फ इन योर हैंड। हम आपके हाथों में अपने आप का समर्पण करते हैं। एंड वी से यू आर आवर हेड एंड लॉर्ड। और हम ये कहते हैं कि आप हमारे सिर हो और आप हमारे प्रभु हो। We are your follower, Lord. हम आपके पीछे चलने वाले आपके लोग हैं। Whatever your word is and law is, we will follow it. आपका जो कोई भी वचन है और आपका जो कोई भी नियम है उसका अनुसरण हम करेंगे। We will obey your commandment. और आपकी आज्ञाओं को हम मानेंगे। Not to be head. हम सिर नहीं बनना चाहेंगे। But to love you. लेकिन आपको प्यार करने के लिए। We will obey you because we love you, Lord. हम आपकी आज्ञाओं को इसीलिए मानेंगे क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। Thank you for you loved us. और आपने हमें प्यार किया उसके लिए धन्यवाद। And you are blessing us. और आप हमें आशीर्वाद दे रहे हो। For all your blessing, we thank you again. आपके सब आशीर्वादों के लिए हम फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। Whosoever listening, bless them, Lord, I pray. जो कोई भी सुन रहा है उनको आशीर्वाद दे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ। Let each one understand your message in Jesus' name. Holy Spirit, guide them, lead them. आपका जो संदेश है वो यीशु के नाम में हर कोई वो समझ सके। पवित्र आत्मा तू उन्हें अगवाही कर और उन्हें समझ दे। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. Amen. Let's pray what Lord taught. प्रभु ने जो सिखाई वो प्रार्थना करें। Close our eyes and pray to Lord. हमारी आंखें बंद रखे और प्रभु से प्रार्थना करें। Our Father which art in heaven. हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। Pure is thy name. तेरा नाम पवित्र माना जाए। Thy kingdom come. तेरा राज्य आए। Thy will be done. तेरी इच्छा पूरी हो। As it is in heaven, let it be on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। Give us our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। And forgive our debts. हमारे अपराधों को क्षमा कर। Forgive our sin. हमारे पापों को क्षमा कर। We forgive our enemies. जिस तरह हम हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं। Lead us not into temptation. और हमें परीक्षा में ना ला। But deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचा। For we believe thine is kingdom. क्योंकि हम विश्वास करते हैं राज्य तेरा है। Thine is power. और पराक्रम तेरा है। Thine is glory. और महिमा भी तेरी है। Forever. सदा के लिए। We believe and confess it. हम ये विश्वास करते हैं और कबूल करते हैं। Jesus name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. Now the love of our Lord God. अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। Grace of our Jesus Christ. अब हमारे परमेश्वर का प्यार और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह। And fellowship of Holy Spirit be with us in Jesus name. पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ बनी रहे यीशु के नाम में। Amen. Amen. We can say Amen. हम कह सकते हैं Amen. God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। Amen.